आप देख रहे हैं मीडिया विजन न्यूज। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में बागवानी विभाग की एचपी शिवा परियोजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश देश में बागवानी नीति लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा। इसका उद्देश्य राज्य में बागवानी उत्पादन को बढ़ाना और प्रदेश को फल राज्य बनाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1292 करोड़ रुपए की यह परियोजना राज्य के 7 जिलों में 6000 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करेगी। उन्होंने अंतर फसलीय खेती पर बल देते हुए कहा कि 2 चरणों में अमरूद नींबू प्रजाति के फलों अनार ड्रैगन फ्रूट जामुन तथा कटहल के पौधे रोपे जाएंगे। उन्होंने विभाग को निर्देश दिया कि इसमें छोटे किसानों तथा सीमांत किसानों को भी शामिल किया जाए ताकि उनकी आर्थिकी सुदृढ़ हो सके। राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है तथा बागवानी क्षेत्र किसानों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि परियोजना के तहत वर्ष 2028 तक 6000 हेक्टेयर क्षेत्र में 60 लाख फलों के पौधे रोपे जाएंगे। परियोजना के तहत प्रथम चरण में 4000 हेक्टेयर भूमि तथा दूसरे चरण में शेष 2000 हेक्टेयर भूमि को कवर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से 2032 तक 1 लाख मीट्रिक टन तक उत्पादन होने की उम्मीद की जा सकती है, जिसका प्रतिवर्ष अनुमानित 230 करोड़ रुपये व्यापार का मूल्य होगा। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से राज्य के 82,500 लोगों को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने विभाग को निर्देश दिया कि इस परियोजना में सूचना प्रौद्योगिकी तथा आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाए ताकि किसानों को उनकी फसलों के बेहतर दाम मिल सके। उन्होंने कहा कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे 70% ग्रामीण आबादी विभिन्न कृषि गतिविधियों से जुड़ी है। उन्होंने विभाग को इस परियोजना को सफल बनाने के लिए आवश्यक तकनीकी सहायता और सहयोग प्रदान करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि एचपी शिवा परियोजना हमारे किसानों और बागवानों के लिए एक वरदान साबित होगी, जिससे हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि हमने बागवानी नीति को लागू करने में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है और इससे जन जन का उत्थान सुनिश्चित होगा।